रायगढ़ जिले के युटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनू मुड़ा के घर में एक युवक की अधजरी लाश मिली है। मृतक का नाम जितेश चौहान है। पड़ोसियों के अनुसार तीन भाई साथ में रहते थे। रात भी तीनों भाई साथ थे। सुबह से ही दोनों भाई फरार चल रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। धमतरी जिले में उधार देने के बदले शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। कुरुद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुरुद थाना क्षेत्र के संजय नगर में 60 साल के सुदर्शन नगारची ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को 5000 रुपए उधार दिए थे, जिसके बदले में वो महिला की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता था। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने कृषि जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराने के नाम से जाति सूचक गाली गलौज कर अपमानित करने वाले जमीन दलाल ओम प्रकाश कोटवानी निवासी दूर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। महासमुंद जिले की बागबहरा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित बीएल ज्वेलर्स नामक दुकान में एक व्यक्ति द्वारा दुकान में बैठे प्रार्थी के पिताजी को पातों में उलझाकर 28 नग सोने के आभूषण एवं 5 नग चांदी के ताबीज, कुल कीमत 2,07,350 रुपए का सामान चोरी कर फरार होने वाले आरोपी मेहंदी हुसैन व हैदर अली को पकड़कर चोरी की ज्वेलरी को बरामद किया है। जांजगीर जिले की बलौदा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम खिसोरा निवासी महिला शिक्षा कर्मी ललिता यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति रुद्र प्रताप को आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटना से कोरबा आ रही राजहंस की बस सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मोरगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। गोहिला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में नवापारा बचरवार में मामूली विवाद में पति शंकर चौधरी ने अपनी पत्नी कुसुम चौधरी पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बालोद जिले के ग्राम टेकापार में एक घर से 23 साल की विवाहित महिला की जली हुई लाश मिली है। मृत महिला का नाम गीतेश्वरी साहू है। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। महिला के शरीर पर मिट्टी तेल डाला हुआ था और लाश 80% जल भी चुकी थी। आसपास के लोगों ने न तो धुआं देखा और न तो गीतेश्वरी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, इसलिए घटना संदिग्ध लग रही है। घटना से सदमे में आया पति चंद्रकांत ने भी फांसी लगाने की कोशिश की है। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिसे तोड़कर बचाया गया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दशगात्र का भोज खाकर लौट रहे पति पत्नी पर उनके ही समाज के लोगों ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। घायल दंपति दूसरे समाज में किसी की मौत हो जाने पर दशगात्र का भोज खाने गया था। इसी बात से उसके अपने समाज के कुछ लोग नाराज थे। रायगढ़ के लहलुंगा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम केकरा झरिया में रेड कार्रवाई कर श्रीमती ललिता नंदवाल के कब्जे से 48,000 रुपए कीमत का 4 किलो गांजा जब्त किया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की पूंजी पथरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम गिरवानी लोहरा पारा में दबिश देके महुआ शराब बना रहे संजय अगरिया और राजू कुमार अगरिया को पकड़कर लगभग 11 लीटर महुआ शराब को जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की रेणुंगा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र निवासी प्रार्थिया की शिकायत पर 6 नवंबर की रात घर में अकेला देकर बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर 2 सप्ताह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी परदेसी सारथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर जिले की खनिज विभाग की टीम ने शहर से लगी अरपा नदी तट स्थित रेत घाट से अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 10 मामले दर्ज किए हैं। खनिज विभाग की टीम ने अलग अलग रेत घाट में कार्रवाई कर ट्रैक्टर समेत हाइवा बरामद किया है।
बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। आग बहुत तेजी से ट्रक के इंजन में फैल गई। ड्राइवर ट्रक के बगल में ही खाना बना रहा था, इसी दौरान आग लगी। जैसे तैसे चालक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। रायपुर जिले की आरंग विकासखंड अंतर्गत शासकीय कन्यापुर माध्यमिक शाला चंदपुरी फार्म में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक ब्रिजलाल वर्मा को मंदिर हसौद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी शिक्षक को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग रायपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अछोली में विशेष समाज द्वारा प्रार्थना कराए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ। अछोली के महेश्वर साहू के मकान में प्रार्थना की जा रही थी। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में साहू समाज समेत अन्य समाज के लोग जुटे थे, जिसकी जानकारी समाज के पदाधिकारियों को हुई। इसके बाद लोगों की भीड़ प्रार्थना सभा में जुट गई और प्रार्थना सभा में जमकर हंगामा किया। बालोद जिले के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में दो लड़कियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों लीड कॉलेज की रेगुलर छात्राएं हैं या प्राइवेट, इसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। रविवार को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों लड़कियों ने प्राचार्य से माफी मांगी है। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके के ग्रामीण पुलिस कैंप के विरोध में एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पिछले दो दिनों से सड़क को जाम कर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के इस आंदोलन से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। रायपुर की अमानाका थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टाटीबंध इलाके में अवैध केरोसिन बिक्री करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने 2000 लीटर केरोसिन की चोरी करके रिंग रोड नंबर 2 स्थित एक यार्ड से चोरी छिपे ट्रक चालकों को बेचा करते थे। मिट्टी तेल का कारोबार करने वाले आरोपी भोला साव और संजय साव समेत ट्रक ड्राइवर कारू साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब किए गए 2000 लीटर केरोसिन की कीमत 1,30,000 रुपये बताई गई है।